So, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड, गुड आफ्टरनून बेटा, ओके, गेट लॉस्ट। सो दोस्तों, कल हम लोगों ने हमारा जो सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस एंड सीरीज को सीरीज के अंदर हम लोगों ने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को कंप्लीट कर लिया था, ओके, और उसके जो सम्स थे, है ना, वो भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे। सो फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू अवर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, बट थोड़ा सा कंसेप्ट अलग होने वाला है आज का, है ना, बट विच इज रिलेटेड टू ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से ही आपका कंसेप्ट वो रिलेट है। तो क्या है, तो आज का कंसेप्ट रहेगा सम ऑफ द इन्फिनिटी, बट सम ऑफ द इन्फिनिटी इज दिस कंसेप्ट इज डिस्कस इन ओनली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन विच इज नॉट इंक्लूड इन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर सम अगर निकालना है अप टू इन्फिनिटी तक, तो वो आंसर नॉट डिफाइन ही रहेगा। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर कैसे मिलेगा आपको, तो हम डिस्कस करते हैं। लाइव नहीं हुआ अभी तक सर, तो दिखाई दे रहा है। ओके ठीक है, आ जाएगा। ओके, तो सम ऑफ द इन्फिनिटी इन द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बेसिकली क्या होगा, आपको याद होगा कल हमने एक एग्जाम्पल डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको आई थिंक सीरीज देके रखी थी। दैट इज इफ वी कंसिडर द वैल्यू ऑफ द मीन्स इफ वी कंसिडर एनी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और उस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में मैंने ले लिया 2, 4, 6, 8, उसके बाद 16, देन 32 एंड देन डॉट 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 डॉट, बराबर है। अब इसमें फर्स्ट टर्म यानी ए कितना है आप लोगों का, 2 है, और आर इज इक्वल टू कितना है आप लोगों का, आर की वैल्यू कितनी है, 2 है। और अगर मैंने आप लोगों को बोला कि T10 आपको फाइंड आउट करना है, तो T10 इज का मतलब कितना बनेगा, ए इंटू आर रेज टू द पावर 9 रहेगा। तो ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी आपकी, 2 है, और आर की वैल्यू कितनी है, 2 रेज टू द पावर 9, इसका मतलब कुल मिला के 2 रेज टू द पावर 10। तो 2 रेज टू द पावर 10 आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, बराबर है, और उसका आंसर आएगा 1024। ये बात क्लियर है आपको। अगर मैंने आपको बोला कि चलो T रेज टू द पावर 100 निकालो, तो T रेज टू द पावर 100 इसका मतलब क्या बनेगा, ए मल्टीप्लाइड बाय R रेज टू द पावर 99। तो ए की वैल्यू कितनी है आपकी, 2, और यहाँ पे R रेज टू n, बट आर की भी वैल्यू कितनी है, 2, 2 रेज टू द पावर 99 बन जाएगा आपका। तो कुल मिला के 2 रेज टू द पावर कितना बनेगा, 100। तो चलो कुछ मुश्किल झेलते हुए आप लोग ये भी फाइंड आउट कर लोगे 2 रेज टू द पावर 100, है ना, अरे कर लोगे कि नहीं। लेकिन मुझे बताओ, अगर 2 रेज टू द पावर 1000 अगर मैंने बोल दिया तो सर कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा, है ना। लेकिन मैंने 1000 के भी आगे, यूट्यूब पे चालू नहीं हुआ क्या, पब्लिक स्ट्रीमिंग भी दिखा रहा है ना, करो थोड़ी चेक।
चलो हाँ, तो यहाँ पे किधर गया रे, किधर लिखा था मैंने, हाँ तो यहाँ पे हमारा 2 रेज टू द पावर 1000 भी आ गया, तो भी आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो, बट तो जो नंबर मिलेगा वो बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा आपका। ये बात समझ में आ गई आपको, है ना? लेकिन फिर भी अगर मैंने आपको बोला कि देखो आपको टर्म ही फाइंड आउट करने में मुश्किल आ रही है, बराबर है कि नहीं? लेकिन अगर मैंने यहाँ पे ये बोल दिया कि जो टर्म्स निकलेंगे ना उसका समेशन भी निकालना है, इसका मतलब आपको क्या निकालना है, S1000 निकालना है। क्या निकालना है? S1000, इसका मतलब सम ऑफ फर्स्ट 1000 टर्म। यहाँ पे दिक्कत तो T रेज टू 1000 मीन्स 1000 टर्म निकालने में ही दिक्कत आ रही है ना? और उसके बाद 1000 टर्म आने के बाद वो सबको ऐड भी करना है, तो पहले ही T1000, ये आप लोगों का तो बहुत बड़ा नंबर दिखेगा, और उसमें भी आप लोग एडिशन कर रहे हो, वो तो और बड़ा हो जाएगा ना नंबर। बात समझ में आ गई? और मैं तो यहाँ पे भी नहीं रुकना चाहता, मैंने आपको क्या बोला कि ये जो सम है ना आप फाइंड आउट करते जाओ। कहाँ तक करते जानी है? बस आपको करते जानी है कहाँ तक, इन्फिनिटी तक आप लोगों को ये करते जाना है। तो सवाल यही उठेगा ना कि सर कैसे हो सकता है, ये तो ऐड करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, इसका मतलब ये 32 के आगे कौन सा नंबर आएगा? उसके आगे, उसके आगे, उसके आगे, उसके आगे, उसके आगे और उसके आगे, देन ए देन 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 देन, मीन्स ये तो चलता ही जाएगा ना, है ना? फाइंड आउट होगा, लेकिन आप लोग ये पूरे का पूरा नंबर अगर बढ़ते 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 गया तो कितना लंबा हो जाएगा कि नहीं, है ना? और उसमें भी सम निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा आप लोगों का, एग्जिस्ट होगा क्या? नहीं होगा। इसका मतलब वो चलता ही जाएगा, विच इज नॉट डिफाइंड। डिफाइन कर सकते हो क्या? नॉट डिफाइंड, इसका मतलब सम ऑफ द इंफिनिटी इन द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन डिफाइन नहीं होगा, ऐसा लग रहा है ना? लग रहा है ना आप लोगों को, दिमाग में लग गया? अरे आया ना, चलो क्या बेटा, पहले ध्यान दे, पहले समझ ले, है ना? विजुअलाइज कर पहले वो चीज को, है ना? कैलकुलेट दे रहता है, करे कैलकुलेटर दे दे, हाँ कर, काय करायचे कर। अरे तू ले ना कैलकुलेटर, मग तुला काय आत्ता सुचतंय का तुझं कॅल्क्युलेटर हरवलं, आता मला पाहिजे ले कॅल्क्युलेटर? हां हां घे 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 घे, पहले ध्यान दो बंदा क्या बोल रहा है क्या पढ़ा रहा है। चलो मैं पढ़ा दूं 2 मिनट में, ये कंसेप्ट है ना, सम ऑफ इन्फिनिटी का फॉर्मूला होता है। देखो एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू, एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, हो गया खत्म। इसमें एक रिस्ट्रिक्शन होता है, आर की वैल्यू 1 से लेस होनी चाहिए और ग्रेटर देन -1 होनी चाहिए, खत्म सम, हो गया। क्या है क्या हो गया, यही तो कंसेप्ट है, राइट डाउन, चलेगा क्या ऐसा? तो कुछ एक्स्ट्रा चीज अगर मैं बता रहा हूं इसका आपको यूज होने वाला है, तो कैलकुलेटर के पीछे पड़ा है तू, उसके टपली में मार रहा है, सेंसलेस कही के क्या बता रहा। अरे यार मैंने देखो तुम क्लोज कर दिया तुम्हारे नान में, चीजें बेटा इजी दिखती है ना क्योंकि वो हम इजी करवा के बताते हैं आप लोगों को, आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि हाँ कुछ नहीं कर लेंगे, है ना? बाद में फिर बताते हैं अरे बाप रे कस का आलो, चीजें इजी नहीं है, हम लोग इजी वैसे आप लोगों को बता पा रहे हो। तो ये बात तो आप लोगों को क्लियर हो गई कि सम ऑफ इन्फिनिटी जो है वो डिफाइन होगा क्या आप लोगों का? नहीं हो रहा है ना? सम ऑफ इन्फिनिटी अगेन क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट बन जाएगा। ये बात क्लियर हो गई, बिकॉज ऑफ व्हाट सर, नंबर तो बहुत बड़ा हो रहा है ना? लेकिन अगर मैं कहूँ कि सम ऑफ इन्फिनिटी इन द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ये डिफाइन होता है, लेकिन कौन से केस में डिफाइन होगा? अगर आपका वैल्यू रादर आपका जो सिक्वेंस है वो सिक्वेंस अगर मैंने ये केस में दे दिया। सर कौन सी केस में दे दिया आपने सीक्वेंस? देखो मैं एक यहाँ पे सीक्वेंस बताता हूँ, है ना? वो देखो ये बेचारा आज हैंग क्यों होने लगा, तो यहाँ पे एक मैं सीक्वेंस लिखता हूँ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ओके? और वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है 1/3, 1/6, 1/12, 1/24, 1/48, एंड आगे की टर्म क्या आएगी बताओ, आगे की टर्म क्या आएगी, है ना? ये आप लोगों का ये कैलकुलेशन मीन्स ये टर्म्स आती रहेगी।
सो कैन आई से दैट दिस इज द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, क्या ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है दिखाई दे रही है? अगर इसमें से अगर आप लोगों ने कॉमन रेशियो अगर निकाला, यानी 1/6 एंड होल डिवाइडेड बाय 1/3, यानी 3/6 कितना बनेगा, 1/2 बन रहा है आप लोगों का, है ना? तो ये सर ये क्या है, मेरा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। लेकिन अगर इसका मैंने आपको nth टर्म फाइंड आउट करने के लिए बोला तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ना, फिर भी बराबर है ना। ये क्या हो रहा है, डबल 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 हो रहा है, क्या हो रहा है डबल। इसका tn अगर आप लोगों ने फाइंड आउट किया तो यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय r रेज टू द पावर n माइनस 1 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे ये 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 रेज टू द पावर n मल्टीप्लाइड बाय 1/2 रेज टू द पावर माइनस 1। ये 1/2 रेज टू द पावर 1 को अगर मैंने अपोजिट किया तो 2/1 रेज टू 1 हो जाएगा। तो 2/1 इसका मतलब ये 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 रेज टू द पावर n, तो इसका मतलब 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज टू द पावर n ये हो जाएगा आपका, बराबर है? यानी इसमें टर्म फाइंड आउट करना और मुश्किल हो जाएगा ना। लेकिन मैंने सम बोला, सर टर्म ही फाइंड आउट करना मुश्किल हो जाएगा तो अब जब एडिशन करेंगे तो और मुश्किल हो जाएगा, है ना? तो फिर से सम एग्जिस्ट नहीं होगा, ऐसा नहीं है। इसमें सम एग्जिस्ट होने वाला है, इसमें सम एग्जिस्ट होने वाला है। सर कैसे एग्जिस्ट होगा, होने वाला है सर कैसे, मुझे बताओ। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। तो अब सब लोग कैलकुलेटर ओपन करो। किया कैलकुलेटर ओपन। अब देखो 1/3 की वैल्यू कितनी आ रही है, ओके 0.33 है ना, चलो आपको ठीक है। उसके बाद आप लोग कंटिन्यू इक्वल टू प्रेस करो, इसका मतलब एक बार इक्वल टू प्रेस किया तो क्या मिलेगा पता है आपको, 1/6 मिलेगा। क्या मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी डिवीजन ऑपरेशन हो गया है ना, तो चलो इक्वल टू प्रेस करो। क्या हुआ मीन्स ऑपरेशन समझाना, 1/3 इक्वल टू, ये प्रेस किया तो 1/3 मिला, और इक्वल टू प्रेस करोगे तो 1/6 मिल जाएगा आपको। कितना आया हा? वो अपने आप क्योंकि डिवाइडेड बाय 3 ऑपरेशन में गया है ना, तो वो वही सेंस में आगे काउंट करने वाला है वो। ओके बोलो कितना बनेगा, 0.1111। ओके उसके बाद इक्वल टू कितना, तो मुझे ये बताइए क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, हाँ डिक्रीज हो रहा है ना। ओके और आगे जाओ क्या हो रहा है, डिक्रीज 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 हो रहा है ना। मैं एक बात करता हूँ, यहाँ पे ये सीरीज लेने से बेटर एक दूसरी सीरीज ले लेता हूँ जीपी की। सपोज यहाँ पे 1/2, उसके बाद यहाँ पे 1/4, यहाँ पे 1/8, यहाँ पे 1/16, यहाँ पे 1/32। हाँ करो, 1/2 कितना आ रहा है, ये 0.5 आ रहा है, ये देखो कितना आ रहा है 0.25 आ रहा है। क्या हुआ, इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, हाँ डिक्रीज हुआ है ना, वो 0.5 यानी हाँ 0.25 नहीं है बर का, आप 0.25 है, और इसका मतलब ये क्या है 0.50 है। अगर इसको देखा तो ये 50 दिखाई दे रहा है और ये 25, तो इसका मतलब डिक्रीज हुआ। और ये अगर करोगे तो ये कितना मिलेगा, 0.125, तो क्या हुआ डिक्रीज हो रहा है। ये फिर से करो, क्या हो रहा है ना, करो 1/2 इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू प्रेस करते जाओ, करो, अरे मुझे बताओ मत, करते जाओ है ना। ये देखो ये 1/2 इक्वल टू 0.5 इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू प्रेस करते जाओ आप लोग, करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, कहाँ तक आपको करते जाना है। इसका मतलब आप जो इक्वल टू साइन प्रेस कर रहे हो, इसका मतलब वो टर्म्स निकाल रहे हो, यानी कौन सी, ये 1/2 इक्वल टू, ये पहली टर्म हो गई बराबर, अरे हाया ना। उसके बाद ये दूसरी टर्म हो गई, ये तीसरी टर्म, यानी जितनी बार आप लोग इक्वल टू साइन प्रेस कर रहे हो वो टर्म निकाल रहे हो। तीसरी बार क्या तो थर्ड टर्म, फोर्थ टाइम क्या तो फोर्थ टर्म, फिफ्थ टाइम क्या तो फिफ्थ टर्म, एंड सो ऑन। तो आप लोग टर्म टर्म निकाल रहे हो, और बाद में आपको क्या करना है, एडिशन करना है। क्या करना है, एडिशन करना है ना। तो एडिशन करने के लिए आप लोगों के पास अगर जीटी का बटन अगर होगा, जीटी यानी ग्रैंड टोटल, वो भी प्रेस कर दिया तो डायरेक्टली सम मिल जाती है। तो सर ये पॉसिबल हो रहा है, तो पॉसिबल क्यों हो रहा है बताओ, इधर ध्यान दो। ये देखो ये टर्म कम 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 होते जा रहा है कि नहीं, अरे हाया ना, क्या होते जा रहा है, रिड्यूस 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 होते जा रहा है। और आप लोग तो एक ऐसा टाइम आएगा ना, एक वैल्यू, वो जो वैल्यू है वो पूरी रिड्यूस हो जाएगी, पूरी रिड्यूस। इसका मतलब क्या,
0.00000000 बहुत सारे जीरो और कोई तो भी एक नंबर आएगा और उसमें आप लोग एडिशन कर रहे हो। तो अब मुझे बताओ वन में अगर मैंने 0.00000000 ऐड अगर किया तो आंसर क्या आएगा रे? 1.000 और कोई तो भी नंबर आएगा, तो उसको राउंड अप करके तो वन ही आएगा ना आंसर। इसका मतलब क्या है? सम ऑफ इंफिनिटी एग्जिस्ट होता है लेकिन कंडीशन है। क्या है? कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है कि आपका जो रेशो है यानी आपका जो आर का वैल्यू है वो आर का वैल्यू वन से कम होना चाहिए। कितना होना चाहिए? वन से कम और माइनस वन से ज्यादा। यानी आर की वैल्यू अगर पॉइंट में आ गई, आर की वैल्यू पॉइंट में अगर आ गई तो सम ऑफ इंफिनिटी आप लोगों का एग्जिस्ट होने वाला है। समझ में आ गया बच्चों? अरे कर लगा ओके। क्योंकि देखो ना यहां पे a डिवाइडेड बाय n अगर मिस यहां पे अगर मैंने यहां पे लिखा लेट से डिनोमिनेटर में आप लोगों का क्या है tn तो टर्म है tn है क्या है tn है और ये वैल्यू आप लोगों का एक्सपांड हो रहा है ना जैसे कि 2, 4, 8, 16 क्या हो रहा है एक्सपांड हो रहा है का नहीं। तो अगर डिनोमिनेटर में वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज होती है तो आंसर क्या होता है? कम 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 होते जाता है। ये आपने बचपन में सीखा होगा। बात समझ में आ गया ना? जैसे जैसे डिनोमिनेटर इंक्रीज होता है वैसा वैल्यू कम 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 होती जाती है। तो एक टाइम ऐसे आएगा तो वैल्यू ही नहीं रहेगी वो। बात समझ में आ गई? तो सम ऑफ इन्फिनिटी आप लोगों का एग्जिस्ट होता है। समझ में आ गया? तो सर फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? तो सम का फॉर्मूला क्या है बच्चों? Sn का फॉर्मूला क्या होता है सर? हमारे पास Sn के दो फॉर्मूले, एक लेस देन के लिए और एक ग्रेटर देन के लिए। कौन सा यूज करोगे? लेस देन वाला। तो लेस देन वाला फॉर्मूला क्या है? a मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस आर रेज टू द पावर n एंड होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। ये फॉर्मूला है ना? लेकिन आप लोग अभी क्या कर रहे हो? ये r रेज टू द पावर n निकाल रहे हो ना? क्या निकाल रहे हो? तो देखो r की वैल्यू कितनी है? 1/2 है, उसकी पावर n निकाल रहे हो आप लोग। तो 1/2 रेज टू 1 कितना आएगा? 0.5। फिर से इक्वल टू प्रेस किया तो क्या मिलेगा? 1/2 रेज टू द पावर 2, 1/2 रेज टू द पावर 3। तो एक टाइम जब आप r कैलकुलेट पावर कैलकुलेट करते जाओगे तो ये क्या हो जाएगा? आपका जीरो हो जाएगा ना? क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अरे करता है ना, मैं काय सांगतो है कि जैसे जैसे तुम्हें टर्म्स वाढ़वनार वैसे वैसे वैल्यू क्या होती जाएगी? कम 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 और डायरेक्टली निगलेक्ट हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब क्या है? ये वैल्यू जीरो हो गई। तो 1 में से 0 माइनस हुआ तो कितना आएगा? 1। और 1 मल्टीप्लाई बाय a कितना रहेगा? a ही रहेगा ना। तो सम ऑफ इंफिनिटी आंसर कितना आएगा? a डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। क्योंकि यहां पे मैं कहां तक जा रहा हूं? इंफिनिटी तक जा रहा हूं। क्या कहां तक जा रहा हूं? तो ये r रेज टू इंफिनिटी हो गया ना आपका। तो r रेज टू द पावर इंफिनिटी क्या करेगा? 0 को अप्रोच करेगा। किसको अप्रोच करेगा? 0 को, है ना। तो 1 माइनस 0 कितना बनेगा? 1 ही बनेगा। तो इसीलिए सम ऑफ इन्फिनिटी का फॉर्मूला ये बन गया आपका। समझ में आएगा? ओके। सो सम ऑफ इन्फिनिटी इन द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ द वैल्यू ऑफ आर इज स्ट्रिक्टली लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन -1। समझ में आ गया? और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मिस एग्जाम में भी आता है। और ये अगर आप लोगों को अच्छे से मिस टेक्निकली अगर समझ में आ गया तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्यूटी, हम एक कंसेप्ट सीखेंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी में, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी, वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्यूटी इससे बना है, ये इस सीरीज से बना है। उसका जो फॉर्मूला है ना वो फॉर्मूले के लिए इसकी मदद हुई है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ है, देखो टाइम टू टाइम 100 रुपीज़ की जो वर्थ है, जो वैल्यू है, वो जैसे जैसे टाइम आगे जाएगा वैसे वैसे वो वैल्यू क्या होती जाएगी? कम 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 होते जाएंगे ना। ओके। तो 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5, 6, 7, 8, 9, जैसे जैसे आगे अगर बढ़ेंगे वैसे वैसे वर्थ उसकी क्या हो जाएगी? जैसे कि फॉर एग्जांपल आता 5 पैसे, 2 पैसे, 10 पैसे, चलता का तो वो निया चलती है क्या? चलती है, इसका मतलब मार्केट में है ही नहीं ना वो, क्योंकि उसकी अभी वैल्यू ही नहीं रही। बात समझ में आ गई है ना? मैं मेरे पापा को अगर पूछता ना कि पापा तुमच्याकडे, माझे वडील सांगायचे आम्ही जर 10 पैसे घेतले ना तर 10 पैशामध्ये ना 16 पोंगे यायचे, यु नो पोंगे, है ना? ओके, हाँ हाँ, वो बोटमध्ये घालून असे खायचे वाले पोंगे, है ना। लेकिन अभी वो देखने को भी नहीं मिलते। तू किधर जाता है ना वो? तो फिर हाँ ठीक है, मग सर बघायला मिळतात ना आम्ही एक्झिबिशन। अरे मार्केटमध्ये चालतायत का?
अबे मैं, अरे पोंग्या, पोंग्यांची गोष्ट नहीं चालू है, पोंग्या। ठीक है, तो सम ऑफ इन्फिनिटी आप लोगों का एग्जिस्ट होगा, तो रिलेट कर पाओगे ना ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे। अरे हाँ गया ना। ओके, मैं जो शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा वो इस चैप्टर से आएगा वो, ठीक है ना। एपी और जीपी, एपी सिंपल इंटरेस्ट, जीपी कंपाउंड इंटरेस्ट, पढ़ता है का कहीं तरी होना रहा सर, है ना। चलो, तो सम ऑफ इन्फिनिटी का फॉर्मूला याद रहेगा बच्चों आप लोगों को अभी। ओके, सम ऑफ इन्फिनिटी का फॉर्मूला याद रहेगा। देखो ये सारे चैप्टर एक दूसरे से लिंक्ड है, ठीक है। तो बताइए, सम ऑफ इन्फिनिटी इज डिनोटेड बाय एस इन्फिनिटी, एंड व्हाट इज द फॉर्मूला, ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। और यही क्यों आएगा ये समझ में आया ना, ए डिवाइडेड बाय आर माइनस वन क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आर की वैल्यू 1 से लेस है, तो वो फॉर्मूला जनरेट हुआ था। सो आर की वैल्यू क्या रहेगी, 1 से लेस, और माइनस 1 से, मैं सर आर की वैल्यू 1 आली तर, अरे रहता है आर ची वैल्यू 1 रहनारच नहीं, सम ऑफ इन्फिनिटी एग्जिस्टेंस होणार नाही मते, समझ लगा, स्ट्रिक्टली है वो, है ना। हाँ, आर ची वैल्यू 0 कशी काही, हाँ 1 माइनस आर, ठीक है, समझ में आ गया। ओके, तो चलो अभी इसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन ये है, डिटरमाइन वेदर द सम ऑफ इन्फिनिटी एग्जिस्ट और नॉट, इसका मतलब हो रहा है या नहीं हो रहा है ये सबसे पहले चेक करना है। तो वो किसकी बदौलत हम चेक करते हैं, आर की बदौलत चेक करते हैं। तो सबसे पहले जो आपको सीक्वेंस दिया जाएगा जीपी, उसमें से पहले आपको आर की वैल्यू निकालनी है, ये बात समझ में आ गई। ओके, तो चलो यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी है, बोलो कितनी है, क्या 3 हो गया तू, अरे क्या बोलते हो तुम लोग, है ना, यू आर नॉट प्रेजेंट मेंटली, यू आर जस्ट प्रेजेंट फिजिकली, आपको आर कैलकुलेट करने में दिक्कत आ रही है, नहीं तो 1 क्या बोला तू, 0.5, वाह 1 डिवाइडेड बाय 2 ना, छान। तो बताइए आर कितना है, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय इट्स प्रीवियस टर्म, तो 2 डिवाइडेड बाय 1 2 आ रहा है, रादर 4 डिवाइडेड बाय 2 2 आ रहा है, तो आर की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, 2 आ रही है। तो मुझे बताओ आर की वैल्यू 1 से कम है क्या, है क्या नहीं, इसका मतलब इसमें सम ऑफ इन्फिनिटी एग्जिस्ट होगा क्या। ओके, तो सम ऑफ इन्फिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट, समझ में आ गया बच्चों, अरे आया ना। ओके, अभी तीसरे में देखो, पहले तीसरे में है ना, तो बोलो आर की वैल्यू इसमें कितनी आ रही है, -3 आ रही है ना, -3 1 से कम है, लेकिन बेटा कंडीशन क्या थी, 1 से कम और -1 से ज्यादा होना चाहिए, तो आ रहा है क्या ये, नहीं, यानी आर की वैल्यू पॉइंट में नहीं दिखी ना मुझे, तो इसका मतलब सम ऑफ इन्फिनिटी एग्जिस्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे भी सम ऑफ इन्फिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट, समझ में आ गया क्या, समझ में आ गया क्या मोहतरमा, है नहीं इधर, है ना, इधर खो गए थे आप, ले 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 ले। मैं अंधा हूं बेटा, ऐसे मत करो, है ना, बैठना है ना तो ऐसे एकदम अच्छे से बैठो, है ना, इजल इजल हिजल ऐसे क्या है, अच्छे से बैठो, अच्छे से बैठो टेकू महाराज। ओके, चलो यहाँ पे अभी सेकेंड में देखो, अभी सेकेंड में आर की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, तुकाराम फोर डिवाइडेड बाय 3 को तुझे 4 डिवाइड करना है, तो ये 4 का डिनोमिनेटर कुछ नहीं यानी 1 है, ये 4 और ये 4 आपका कैंसिल हो गया, ये 1 ऊपर चला जाएगा, तो ये 1/3 आ रहा है, देखो सीरियसली आप लोगों को करना है ना, करो, है ना, मैंने पहले ये किया था बाद में ये हुआ, है ना बेटा, अल्टीमेटली है ना रिजल्ट क्या आएगा ना उसके ऊपर बात करेंगे फिर हम, बराबर है कि नहीं। ओके, आत्ता हे केलन तेव्हा ते केलं का, पहिली मध्ये 2+2 4 शिकला होता, नाही तर 2+2 काय 8 झालाय का, हा मॅथ कभी चेंज होता है क्या, आप बोलते हो ना, हम बात करेंगे कब करने वाले हैं, कब करने होंगे,
अगस्त, अगस्त में बोला था ना मैंने, अगस्त में फिर से बात करेंगे हम लोग, अगस्त 25 में बेटा, है ना, मई जून जुलाई, जुलाई नहीं तो अगस्त के बीच में बात करेंगे हम लोग। तो आर की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/3 आ रही है। तो आर की वैल्यू 1/3 आ रही है, इसका मतलब आर की वैल्यू 1 से लेस आ रही है। हाँ आ रही है, यानी आपको जो रेंज दिया था सम ऑफ इंफिनिटी का, उसमें आ रही है क्या, आ रही है। इसका मतलब इसमें सम ऑफ इंफिनिटी एग्जिस्ट होने वाला है ना। तो सम ऑफ इंफिनिटी का फॉर्मूला बोलो क्या था, ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, वेयर ए इज नथिंग बट 4, 1 माइनस आर इज नथिंग बट 1/3। तो आंसर क्या बन गया, 4 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1, 2 डिवाइडेड बाय 3, बराबर है क्या। तो 3 ऊपर चला जाएगा, 4 3 जा 12, 12 डिवाइडेड बाय 2 कितना बनेगा, 6 बनेगा आपका। ये बात समझ में आ गई, अरे आ गई क्या, ये आप डायरेक्टली कैलकुलेटर पे भी कर सकते हो, है ना। चलो तीसरा तो नहीं, चौथे में आर की वैल्यू बताइए कितनी आ रही है, 3 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 1, यानी 3 डिवाइडेड बाय 2 आ रहा है। बोलो मिस आर की वैल्यू आपके रेंज में आ रही है क्या, नहीं आ रही है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, सम ऑफ इन्फिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट, समझ लो का बड़ा नो, है ना। चला इतने आर ची वैल्यू बगा बर कितनी है, माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 1। तो यहाँ पे माइनस फाइव कैंसिल, माइनस 1/2 मिल रहा है, माइनस को साइड में रखो, 1/2 मिल रहा है ना, ये इंपॉर्टेंट है, यानी माइनस वन बीच में मुझे मेरा आंसर मिल रहा है, यस। तो इसका मतलब सम ऑफ इन्फिनिटी यहाँ पे एग्जिस्ट होगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, तो ए कितना है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस ऑफ माइनस 1/2, तो कितना बनेगा, ये प्लस बन जाएगा ना, तो 1 + 1/2 यानी 3/2, तो 3/2 इसका मतलब ये पूरा हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाय 3 बन जाएगा। समझ में आ गया बच्चों, समझ लगा, ओके। तो यहाँ पे सम ऑफ इन्फिनिटी आप लोगों का एग्जिस्ट होता है ना, बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन, और ये कंडीशन को मैं मॉड ऑफ आर इज लेस देन और हाँ लेस देन 1 ऐसे भी लिख सकता हूँ, कर लगा मॉड ऑफ आर, बट मैं इसको ज़्यादा यूज नहीं करता, बिकॉज यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस आ गई। देखो मॉड काढ़ाए ना सर, मॉड ऑफ आर इसका मतलब 1/2, 1/2 लेस देन 1 है, हाँ, लेस देन 1 है। तो बच्चा इधर क्या करता है, पॉजिटिव यूज कर लेता है, मॉड ऑफ आर है ना सर, अरे वो कंडीशन है, कंडीशन चेक करने के लिए आर लिया है मैंने, है ना, मॉड ऑफ आर लिया है, लेकिन आपको यूज करने के लिए यही करना है। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, ये बच्चों को बताता नहीं हूँ, मैं पहले ये बता देता हूँ, लेकिन अगर एग्जाम में अगर आ गया रिस्ट्रिक्शन क्या है, तो ये रिस्ट्रिक्शन है, समझ लो, या दोगांचा मीनिंग एकच है, कर लगा, समझ में आ गया, ओके। तो सम ऑफ इन्फिनिटी का एक हाथ सम तो पक्का है, आता ही यार, कर लो, ओके। और इसका और एक अच्छा एकदम नमूना होता है, जिसको आप लोगों ने 11th में सॉल्व किया था, याद है क्या वो सम, ये सम ऑफ इन्फिनिटी किधर आता है, याद आया क्या ये वाला सम, 1.3 बार, है ना। और इसको कैसे लिखो, पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में लिखो, अरे हाया ना। तो सर वो सम यहाँ पे क्यों नहीं कवर किया, बिल्कुल नहीं करेंगे हम लोग, है ना, 4 डिवाइडेड बाय 3 करो, आया ना, ओके। तो हम लोग क्या करें, इस पहले तो मुझे बताओ इसका मतलब पता है सब लोगों को, क्या समझे का है, कि 1.33333 कहाँ तक होता है, ये अनंत तक यानी इन्फिनिटी तक, है ना। तो ये कंसेप्ट को मैंने क्या बोला, कि ये नंबर जो है ना, ये नंबर आपको पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में लिखना है, तो उसमें आप लोगों को ये कंसेप्ट जो सम ऑफ इन्फिनिटी है ना, ये वाला कंसेप्ट यूज होता है, क्या होता है, सम ऑफ इन्फिनिटी वाला कंसेप्ट यूज होता है। तो वो सम कैसे सॉल्व किया जाता है, कि ये 1.3 बार को अगर मैंने 1 + 0.33333 लिखा तो चलेगा, उसके बाद ये 1 + इसको अगर मैंने 0.3 + 0.03 + 0.0003 + 0.00003 + डॉट डॉट ऐसा लिखा तो चलेगा, और ये हो गया आप लोगों का सम ऑफ इन्फिनिटी, और इसको आप लोगों को सॉल्व करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। लेकिन इतना फालतूगिरी करेंगे क्या, आपको क्या दिया जाएगा, कि ये नंबर है, ये नंबर को आपको पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिखना है ना। तो ऑप्शन रहेगा लेट से 5 डिवाइडेड बाई 3, तो करो ना, 5 डिवाइडेड बाई 3 कितना आता है
है ना, 2. कितना 1.6666 आएगा, तो चलेगा क्या? नहीं, आपको ऑप्शन में ये दिया जाएगा 4/3 करो तो आ रहा है क्या? आ रहा है, तो इस पर क्लिक कर देंगे ना, समझ लगा? तो वो डायरेक्ट ट्रायल और एरर से होने वाला है, अब तक की एग्जाम में एक ही बार पूछा गया था वो सर इसीलिए, और दूसरी बार हमारे लिए पूछेंगे सर, है ना? क्या क्या बात है, 8/6 भी आ रहा है ना, तो आगे ये बोलेगा 80/60 भी आ रहा है। बेटा रेशो चैप्टर हो गया है हमारा, रेशो इज ऑलवेज रिटन इन द फॉर्म ऑफ सिंपल मेथड, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज अ 2 एंड द सम ऑफ इंफिनिटी इज अ 6 देन द फाइंड द कॉमन रेशो। ओके, तो क्या क्या देके रखा है हमने आप लोगों को, फर्स्ट टर्म यानी ए की वैल्यू कितनी है 2, और क्या देके रखा है एस इंफिनिटी कितना देके रखा है 6 देके रखा है, तो कॉमन रेशियो निकालना है आप लोगों को, है ना। तो बोलो कॉमन रेशियो एस इंफिनिटी का फॉर्मूला क्या है बच्चों, बताइए। ए डिवाइडेड बाय 1 - r, ए की एस इंफिनिटी 6, ए की वैल्यू 2/1 - r, ये 1 - r इधर जंप करेगा, 6 इधर उड़ी मारेगा, 1 - r = 2/6, तो 1 - 2/6 = r बन गया ना, तो 6 - 2 4/6 = r, तो r की वैल्यू कितनी बन गई 2/3 बन गई। कुछ मुश्किल है ये सम, है ना, सेम यहाँ पे ये सम है। बोलो क्या देके रखा है, सम ऑफ इन्फिनिटी लिखू क्या डायरेक्ट, 80/9 = बोलो क्या है, कॉमन रेशो a निकालना है, तो a एज इट इज रहेगा, ये 1 - ऑफ -4/5, तो 80/9 = a इन ब्रैकेट ये प्लस हो जाएगा, देखो तो 5 + 1 = 5, 5 + 1 कितना 5 + 4 कितना 9, 9/5 को अगर मैंने ऐसे लिखा तो चलेगा क्या, 9/5 कर लो, तो 9 गेट कैंसल, तो 80 = 5 है, तो 5 = a = 16 बनेगा, कर लो। अब ये सम देखो क्या है, थोड़ा सा अलग छोटा सा, द सम ऑफ द इन्फिनिटी ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 15 एंड द सम ऑफ द स्क्वेयर ऑफ दीज टर्म इज 45, तो फाइंड द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो आपको डायरेक्टली वो जीपी निकालना है। तो उन्होंने क्या बोला कि हम लोगों ने आपको एक जीपी देके रखा है और उसका सम निकाला, और वो सम कौन सा, अप टू इन्फिनिटी तक वाला सम निकाला। बरकर है ए आत्माराम, है ना, टेंशन आ गया, तेरी गर्लफ्रेंड भाग गई, हाँ इतना काहे को इतना टेंशन ले रहा है, धोखे को हाथ लगा रहा है। तो बताइए एक ऐसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसका सम अप टू इन्फिनिटी निकाला तो वो कितना बन रहा है, 15 बन रहा है, ये बात समझ में आ गई। ओके, और अगर वो जो जीपी लिया है उनका स्क्वेयर अगर किया, उनका स्क्वेयर अगर किया तो उसका समेशन कितना आ रहा है, 45 आ रहा है, तो बताओ वो जीपी क्या है। तो मान लेते वो जीपी क्या है, ए आर अगली टर्म, ए आर स्क्वेयर अगली टर्म, ए आर रेज टू 3 अगली टर्म, .. अप टू इन्फिनिटी, यस बराबर है। और इसका हमने सम निकाला, क्या निकाला, सम निकाला, वो सम कितना आया, कितना आया 15 आया, ये बात समझ में आ गई। और क्या देके रखा था उन्होंने कि इनका स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर, उसके बाद ए स्क्वायर आर स्क्वायर, समझ लगा, आता पुढ़े का सांगा बर, ए स्क्वायर आर रेज टू 4 आएगा, कर लगा। अब इसका स्क्वायर बोलो, ए स्क्वायर आर रेज टू 6 एंड .. ये भी अप टू इन्फिनिटी, इसका भी हमने समेशन दिया आपको, कितना दिया 45 दिया, ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो वो जीपी क्या है ये निकालना है, क्लियर। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे सम का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ इन्फिनिटी का फॉर्मूला, ए डिवाइडेड बाय 1 - r = कितना देके रखा है 15, और यहाँ पे बताओ फर्स्ट टर्म क्या है, ए स्क्वायर बराबर है ना, तो ए स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 1 - क्या लेना पड़ता है, कॉमन ना, इधर कॉमन रेशो क्या है आर स्क्वायर, समझ लगा, तो दैट इज इक्वल टू कितना है 45, तो बस आपको ए और आर चाहिए, तो दो इक्वेशंस मिल गए हैं, है ना, दोनों को आप लोग कैसे भी सॉल्व करो, बात समझ में आ गई। बोलो कैसे सॉल्व करूं, साइमल्टेनियसली करने से बेटर है एक दूसरे को डिवाइड कर दो, तो जल्दी हो जाएगा, इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, चलेगा ना। तो बोलो क्या बनेगा, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय
इसको 1 माइनस आर स्क्वायर को मैंने डिवाइड किया, क्या a डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, तो कितना बनेगा ये 45 डिवाइडेड बाय 15, बराबर है क्या? ये एक गया बच्चों और ये भी एक गया, है ना? ओके बोलो क्या बनेगा आपका, ये 1 माइनस आर ऊपर लिख दो क्या, तो a मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस आर, ये तो इतना करने से बेटर है, दो ही टर्म में मिलेगा ना आपको, डिवाइड भी करेगा तो भी चलेगा, बट हाँ मुझे बताओ इसमें से a की वैल्यू निकाल लूँ क्या, a की वैल्यू कितनी आएगी, 15 ऑफ 1 माइनस आर मिलेगा, अरे हाया ना, और अभी ये वैल्यू इसमें पुट कर दो, बोलो a का स्क्वायर यानी किसका, 15 ऑफ 1 माइनस आर का होल स्क्वायर एंड होल डिवाइड बाय 1 माइनस आर स्क्वायर को, अगर मैंने 1 प्लस आर 1 माइनस आर लिखा तो चलेगा ना, क्योंकि 1 को 1 स्क्वायर कर दूंगा मैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो यहाँ पे 1 माइनस आर और ये 1 प्लस आर, एंड दैट इज इक्वल टू वॉट, 45, सब आर में कन्वर्ट हो गया देखो, है ना? तो यहाँ पे बोलो 15 का स्क्वायर कितना आता है बच्चों, 225, और यहाँ पे 1 माइनस आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर 1 प्लस आर, दैट इज इक्वल टू 45, 1 माइनस आर का एक एक ब्रैकेट आपका कैंसिल हो गया देखो, है ना? ये 45 का डिविजिबल है देखो, तो 225, 45 वन जा 45 फाइव जा, तो यहाँ पे कौन बचा, 5 ऑफ 1 माइनस आर एंड दैट इज इक्वल टू 1 प्लस आर, तो बोलो कितना बनेगा ये, 5 माइनस 5 आर इक्वल टू 1 माइनस सॉरी 1 प्लस आर, तो ये 5 माइनस 1 इक्वल टू, ये उस सेट पे गया तो 6 आर बनेगा, तो ये 4 इक्वल टू 6 आर, तो आर की वैल्यू कितनी बनेगी, 2 बाय 3 बनेगी, समझा? अब आर की वैल्यू 2 बाय 3 इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, तो a इज इक्वल टू 15 ऑफ 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3, तो दैट इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 2 1 डिवाइडेड बाय 3, कितना बना, 5 बना, समझ लगा? तो वो जीपी कौन सी है फिर, जीपी बनाना है तो कैसे, 5, उसके बाद अगला टर्म a इंटू आर ना, तो 5 इंटू 2 बाई 3 10 बाई 3, अगली टर्म 2 बाई 3 का स्क्वायर करेंगे, पहले 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, और इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, बोलो कितना, 20 बाय 9, अगला 5 10 20 40 बाय 3 3 9 27, 40 मिलेगा रे बेटा, है ना? अगला कितना मिलेगा, 80 मिलेगा, 80 बाय 81 मिलेगा, है ना? एंड 88 गेट कैंसिल, अच्छा नहीं, हाँ समझ लो, ओके। सो ये था आप लोगों का कंसेप्ट ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, समझ में आ गया बच्चों? अरे कर लगा, है ना सर, आपने हार्मोनिक प्रोग्रेशन नहीं सिखाया, टिक 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 टिक। हाँ तो देखो हमने कहाँ से शुरुआत की थी, याद है आप लोगों को सर? हमने सीखा था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीक्वेंस, हमने क्या सीक्वेंस का मीनिंग क्या था वो सीख लिया था, सीक्वेंस इज नथिंग बट एन अरेंजमेंट ऑफ अ नंबर इन अ प्रॉपर मैनर कॉल्ड एज अ सीक्वेंस, तो उसमें दो टाइप के सीक्वेंस दिखे, कौन कौन से, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, है ना? तो इसका इंट्रोडक्शन हमारा होता है खत्म, क्लियर हो गया? ओके तो सर अब भी क्या बाकी रहा, एचपी बाकी रहा हमारा, कौन बाकी रहा, एचपी, है ना? आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आता है ना बच्चों, अगर आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अगर आता है तो ज्योमेट्रिक हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी आएगा, तो सर उसके सम्स नहीं है क्या, हे डोंट वरी, इधर नीचे किधर तो भी होगा, टाइप्स ऑफ मीन वगैरह, है ना, अंदर नीचे किधर तो भी होने वाला है एचएम, है ना? कोई इतनी बड़ी एचएम का कंसेप्ट तो नहीं होगा, बट एचएम के सम्स, हाँ ये देखो हार्मोनिक प्रोग्रेशन दे के रखा है मैंने, हाँ ओके, एचपी आता एपी आता है ना, तो एचपी भी आ ही जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है बच्चों? तो चलो पहले अभी मैं आप लोगों को मिसलेनियस सम बता देता हूँ, ठीक है? ये सम आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और ये प्रॉपर्टीज है, क्या है, प्रॉपर्टीज है, अगर मैं क्या बोलता हूँ कि कोई भी प्रॉपर्टी जो है ना वो आप लोग अंडरस्टैंड कर लो, और ये प्रॉपर्टी आप लोगों को पहले मैं सॉल्व करवा के बताता हूँ, उसके बाद इसके बारे में चर्चा करेंगे कि एग्जाम्पल में इसको कैसे टैकल करने का, ठीक है? करें शुरुआत, फटफड़ाहट होने वाली है थोड़ी आपकी, है ना? तो देखो क्वेश्चन क्या है, इफ द nth टाइम ऑफ द nth टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज mth टाइम ऑफ इट्स nth टर्म, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m प्लस nth टर्म, यही है ना? हाँ यही है, मैंने छपा है तो यही होगा,
है, क्वेश्चन समझ में आया क्या आप लोगों को? क्वेश्चन समझ में आया क्या? अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया ना तो फिर से रीड करो, जब तक आपको क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता तो आप लोग आंसर देने के लिए कैपेबल नहीं रहोगे फिर। तो क्वेश्चन क्या है, इफ वी कंसिडर nth टाइम्स ऑफ इट्स nth टर्म, nth टाइम्स ऑफ इट्स nth टर्म विच इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ इट्स mth टर्म, ये मैंने कंडीशन दी आपको, तो बताइए m प्लस nth टर्म कितना होगा। ये बात समझ में आ गई? तो आपका आंसर जो है वो एम एन के फॉर्मेट में ही रहने वाला है, इसके फॉर्मेट में एम एन, नहीं तो कोई तो भी एक ऐसा प्रॉपर्टी है तो कोई तो भी वैल्यू रहेगी क्योंकि स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो चलो आपको देखो मैंने क्या देके रखा है, बोलो तो क्या देके रखा है मैंने, एन टाइम्स ऑफ टी एन बराबर है ना, ये किसके बराबर है, एम टाइम्स ऑफ टी एम देके रखा है। और पूछा क्या है मैंने, हेलो हेलो हेलो, टी ऑफ एम प्लस एन इज इक्वल टू पूछा है। ये बात समझ में आ गई क्या आपको? अरे बोलो यार, हाँ या ना, समझा क्या? ये क्वेश्चन है, मुझे बताओ ये क्या है, हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन? क्वेश्चन में दिया है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अगर मैंने आपको दिया है तो मैंने क्या बोला था, आपको दो चीजें चाहिए ही चाहिए, कौन कौन सी चीज, ए और आर टी ना, तो आर क्यों बोल रहा है, तो ए और टी, ये दो टर्म्स आपको चाहिए। ये बात समझ में आ गई? तो वो दो टर्म लाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। तो क्या है यहाँ पे, ये प्रोवाइड कर दिया है ना, तो n मल्टीप्लाइड बाई टी एन, टी एन को मैं ऐसे लिखूं बच्चों, a प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई डी, चलेगा? अरे हो गया ना, इज इक्वल टू ये देखो m, बोलो m मल्टीप्लाइड बाई, बोलो टी एम को कैसे लिखूं फिर, a प्लस, अभी m तो टर्म है ना ये, तो m माइनस वन इंटू डी मिलेगा। ये बात समझ में आ गई क्या आपको? अरे हाँ ना, चलो अभी ये ब्रैकेट ओपन करो, क्या बनेगा, एन ए प्लस एन स्क्वेयर माइनस एन इंटू डी बराबर है क्या? अरे कर ले ना, हाँ एन ओपन केला इकड़े, एम ए प्लस ये भी एम अगर ओपन अगर किया तो एम स्क्वेयर माइनस एम मल्टीप्लाइड बाई डी हो गया। अब डी की टर्म और एक साइड पे लिख लेते हैं, है ना, तो यहाँ पे एन ए मैंने एज इट इज रखा, ये वाली टर्म इस साइड पे आएगी तो माइनस एम ए इज इक्वल टू यहाँ पे एम स्क्वेयर माइनस एम मल्टीप्लाइड बाई डी आपका एज इट इज, ये वाली टर्म इस साइड पे अगर आ गई तो माइनस एन स्क्वेयर माइनस एन इंटू डी। ये भी बात समझ में आ गई? इन दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, तो कॉमन ले लो, क्या बनेगा, एन माइनस एम, अगेन इसमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, डी कॉमन दिखाई दे रहा है, क्या बचेगा, एम स्क्वेयर माइनस एम माइनस एन स्क्वेयर प्लस एन। ये बात समझ में आ गई आपको? एक काम कर लेता हूँ बच्चों, एन माइनस एम इज इक्वल टू डी मल्टीप्लाइड बाय, ये एम स्क्वेयर के साथ मैंने एम एन स्क्वेयर को लिख दिया, चलेगा क्या, चलेगा ना, और यहाँ पे प्लस ऑफ एन माइनस एम लिख दिया। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? अरे हाँ ना, बोलो, ओके, सो ए मल्टीप्लाइड बाय एन माइनस एम इज इक्वल टू डी इन ब्रैकेट, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, एम प्लस एन, और क्या लिख सकता हूँ, एम माइनस एन, समझ लगा? अब मुझे बताओ इसमें से अगर मैंने माइनस तो क्या बचेगा, एम माइनस एन बचेगा ना, क्या लगता है आपको मैंने माइनस एन क्यों कॉमन लिया, क्योंकि एम माइनस एन कॉमन ले सकता हूँ, देखो मैं, बराबर है ना, अरे हाँ आहेत का, अब लिया तो ये बात समझ में आ गई आपको, अरे हो कि नहीं, तो है ना, ये माइनस साइन में इसको दे दो क्या, तो बताइए ए की वैल्यू क्या बन गई, माइनस ऑफ एम, ये कौन है, ये प्रॉपर्टी है, हाँ क्या है प्रॉपर्टी, देखो एग्जाम में आ गया तो इतना सॉल्व करना पड़ेगा आपको, है कि नहीं, हाँ सॉल्व, वेरी गुड, बट ऐसा करना ही नहीं है आपको, है ना, ओके, लेकिन सम का महत्व समझने के लिए आपको मैं ये सॉल्व करवा के बता रहा हूँ, पर का है कैलकुलेटर, ओके, तो बोलो क्या बनेगा यहाँ पे आपका आंसर, m प्लस एन माइनस वन इंटू डी बाद में लिख दिया, चलेगा ना, चलो ये बात समझ में आ गई।
अब ए की वैल्यू मिल गई, अब डी की वैल्यू निकालना है, बट ए की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डी नहीं तो डी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ए मिलेगा आपको, क्योंकि मैंने ए की रिलेशन दिया है ना आप लोगों को, बचपन में सीखा होगा ए की रिलेशन दिया है तो कोई तो भी ए की वैल्यू आएगी, है ना बरका? ओके, तो अब मुझे बताओ मुझे तो ये चाहिए कि नहीं, क्या चाहिए मुझे बोलो? टी एम प्लस एन ये चाहिए। मुझे बताओ टी एन का फॉर्मूला क्या है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी हम क्या करते हैं एन में से माइनस वन करते हैं, यानी जो टर्म है उसमें से माइनस करते हैं। तो अगर मुझे ये एम प्लस एन ये वाला अगर टर्म चाहिए तो क्या बनेगा? ए प्लस, बोलो क्या लिखूंगा यहाँ पे, कौन सी टर्म? एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये चाहिए। ये बात समझ में आ गई? अब मुझे बताओ ए की वैल्यू क्या दे के रखी है मैंने आपको? माइनस ऑफ एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी दे के रखा है, और ये क्या है? प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी दे के रखा है। तो देखो ना, ये माइनस में ये प्लस में, आंसर इज जीरो, खत्म। इसका मतलब व्हेन एम टाइम्स ऑफ एम द टर्म इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ एन द टर्म इन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देन इट्स एम प्लस एन द टर्म इज ऑलवेज जीरो। समजलं सर? अर्धी सांगून द्यायचं ना, डायरेक्ट जीरो आन्सर होतं। तुम्ही लर्न करून घेणार काय आता हे? लर्न करणार का? नहीं, क्योंकि ये देखो साला कौन सा, अभी इसमें भी जीरो आएगा क्या? क्या पता। ये सम देखो, मुझे बताओ प्रॉपर्टी याद भी अगर आप लोगों ने कर ली, मैंने वहां पे एम एन के बदले पी क्यू डाल दिया तो आपको ये सबर का ये पी क्यू से घोटाला हो जाएगा ना। तो ना तो आपको प्रॉपर्टी लर्न करनी है, ना आपको ये ट्रेडिशनल मेथड से जाना है, तो सर क्या करें? तो आप लोगों को नंबर नंबर दिया तो अच्छा खेलते आता है ना, तो आप लोगों को क्या करना है बच्चों? नंबर सिस्टम में इसको खेलना है। किस में खेलना है? नंबर सिस्टम में। इसका मतलब आपको ये सम समझ में आ गया ना, उसको नंबर में कन्वर्ट कर लो। किस में कन्वर्ट कर लो? नंबर में कन्वर्ट कर लिया ना, ऐसे चुटकी बजा के सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? तो n टाइम्स ऑफ इस nth टर्म इक्वल टू nth टाइम m टाइम्स ऑफ इट nth टर्म, देन आपको क्या पूछा है? m प्लस nth टर्म पूछा है। तो m और n ऐसे दो वैल्यूज चाहिए ना आपको, तो बोलो ऐसी कोई भी दो वैल्यूज बताओ। हाँ, 5 और 7। तो अब मुझे देखो इसने क्या बोला, 5 और 7, तो सम कैसे बनेगा? फिफ्थ टाइम ऑफ फिफ्थ टर्म ये किसके बराबर होगी? सेवेंथ टाइम ऑफ सेवेंथ टर्म। तो मैं क्या निकालूंगा? t, इन दोनों का एडिशन है कितना? T12 इक्वल टू कितना होगा? तो आंसर जीरो आने वाला है। कळलं? अरे कळलं का? नंबर मध्ये कन्वर्ट करून घेतलं। चला मग आता हे सॉल्व करा बरं। y ऑफ T5 ये क्या a प्लस 4D आता है ना बच्चों, और ये कितना फटाफट बोलो अभी, a प्लस 6D। तो ये कितना बना? 5a प्लस 4D इज इक्वल टू 7a। ओ सॉरी, आई माय अपोलॉजी, कितना ये 20 आ गया है ना, ये कितना आ गया बच्चों? 42D आ गया, बराबर है? ओके, तो ये उस साइड पे और ये इस साइड पे, किधर भी एक ए, तो डी के फॉर्मेट में आप लोग निकाल सकते हो। तो 5a माइनस 7a माइनस 2a इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा बराबर है ना। तो 42d में से 20d गए, तो कितना बचा? 22d बचा। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? ये डिवाइड होगा ना, माइनस 11d आ गया, बराबर है क्या? आपको क्या पूछा था? लेकिन T12 ही पूछा था ना सर, कैसे? अबे प्लस n था ना, यानी m की वैल्यू 5 और n की वैल्यू तूने 7 ली थी। ओके, तो बोलो ये T12 इसका मतलब कितना आएगा रे? a प्लस 11d, लेकिन a क्या है? माइनस 11 है ना, तो माइनस 11 प्लस 11 जीरो, तो आंसर कितना है इसका? जीरो, खत्म। कर लगा? तो प्रॉपर्टी लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है, सम को किस में कन्वर्ट कर डालो? नंबर में कन्वर्ट कर डालो, आपका काम बन जाएगा। समझ लगा? इतनी स्वीट सम होता है ना सर। इसका मतलब हम ऐसा कुछ भी करें तो होगा क्या? हाँ, कुछ भी करो, कुछ भी करो म्हणजे या क्वेश्चनला कन्सिडर करून, बरं का? म्हणजे काय, दोन नंबर सांगितले मी, कोणते बोला? बोलो कोण से नंबर चाहिए तुझे? 16 और 3। ओके, तो सम कैसे बनेगा तेरा, बोल बोल फिर। 16 टाइम ऑफ 16th टर्म ये किसके बराबर होगा फिर? 3 टाइम्स ऑफ 3 टर्म, और तू क्या निकालेगी? T19 निकालेगी। देख तेरा आंसर जीरो आएगा। छोटे छोटे नंबर क्या वाटलेस है ना। फिफ्थ टाइम ऑफ फिफ्थ टर्म इक्वल टू सेकेंड टाइम ऑफ सेकेंड टर्म, 2 टाइम्स ऑफ सेकेंड टर्म। तो आपको मैं क्या पूछूं, क्या निकालना पड़ेगा आपको?
निकालना पड़ेगा? क्या क्या पूछा था मैंने? 5 और 3 लिया था क्या? अच्छा जो होगा वो, है ना? समझ में आ गया आप लोगों को क्या करना है ना? ओके, तो ट्रायल और एरर ये मेथड आप लोग यहाँ पे यूज कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा अकल होना चाहिए, है कि नहीं? क्या होना चाहिए? अकल। हाँ मग धूने अंगूर के लिए तेरी चालेल। चलो यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को पक्का, है ना? चलो ये सम करवा के देख दिखाता हूँ फिर मैं आपको, है ना? द पीथ टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ क्यू एंड क्यूथ टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ पी, देन आर्थ टर्म इज वॉट। तो देखो पी टर्म क्यू है और क्यूथ टर्म आर है, पी टर्म क्यू है, क्यूथ टर्म पी है, और कोई तो भी भलतीच टर्म बोला उन्होंने, यानी पी और क्यू बोला और डायरेक्टली बोल दिया आर्थ टर्म क्या है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसमें ना आपको ऑप्शंस देता हूँ, अभी ट्रेडिशनल वे से नहीं जाएंगे, है ना? अब थोड़ा स्मार्ट तरीका, ऑप्शन ए मुझे इसका आंसर पता होना चाहिए फिर। हाँ ठीक है, पी प्लस क्यू प्लस आर, पी आएगा मेरा पी माइनस क्यू प्लस आर, सी आएगा मेरा पी प्लस क्यू माइनस आर, और डी आएगा मेरा जीरो। ठीक है, आंसर इज जीरो। चलेगा क्या? नहीं चलेगा, है ना? अब ट्रेडिशनल वे से करना है क्या आपको? नहीं, है ना? अभी स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन समझो, pth टर्म इज q एंड qth टर्म इज p, देन rth टर्म इज व्हाट। तो आपको कितने वैल्यूज लेनी पड़ेगी? 3 वैल्यूज लेनी पड़ेगी ना, किसकी? p, q और r। ये तीनों में कुछ रिलेशन है क्या? कुछ भी नहीं है। तो बोलो p की वैल्यू कितनी लेनी है आपको? अरे बोलो ना रे, हावरे टानो एवडे बिन कमी नगा क्या? ठीक है ले लेते हैं, लेकिन नन्हे तो आपको बोलो, आप बोलोगे सर 1 घेतला था, नहीं ऐसा नहीं। ये तो पी की वैल्यू 1 ले लो, क्यू की वैल्यू ले लो 3 ले लो, है ना? और आर की वैल्यू क्या ले लो? कुछ रिलेशन ही मत देखो इसमें, 7 ले लो। बात समझ में आ गई? ओके, तो अब मुझे बताओ आपका सम कैसे बनेगा बच्चों, बताइए। P1 इक्वल टू 3 बराबर है ना, पी टर्म इज 3 एंड T3 इज इक्वल टू 1, और आपको क्या पूछा है मैंने? T7 पूछा है, कर लगा? तो T7 का मतलब क्या आएगा रे? A प्लस 6D आएगा ना। ओके बोलो, T1 यानी कौन? A इज इक्वल टू 3, और यहाँ पे A प्लस 2D इक्वल टू 1, A की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे 2D इज इक्वल टू 1 माइनस 3, चलेगा ना? 1 माइनस 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, तो D की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस 1। ये माइक भी ना साला। तो बोलो बनेगा आपका a की वैल्यू 3 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1, सो दैट इज इक्वल टू 3, और ये माइनस 6, दैट इज इक्वल टू कितना आ गया? माइनस 3 आ गया। अब कुछ रिलेशन नहीं बन रहा है ना, तो अब मुझे बताओ आपका आंसर माइनस 3 आया कि नहीं? तो आपके पास p q r ये वैल्यूज थी ना, ऑप्शंस में पुट करो। बोलो p की वैल्यू कितनी है? 1 प्लस 3 प्लस ये 1 प्लस 3 प्लस 7 आ रहा है क्या? माइनस 3, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं है। चलो 1 माइनस 3 प्लस 7 आ रहा है क्या? माइनस 3, इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं है। ये चेक करो, 1 प्लस 3 माइनस 7 चेक करो तो आ रहा है क्या? इसका मतलब मेरा आंसर क्या है? सी। अगर आप यहाँ पे अलग भी लेते ना, कोई लेट से P1 लिया ना आपने, कोई तो भी दूसरा नंबर, लेट से 5 ले लो, क्या ले लो? 5 ले लो। तो बोलो बनेगा बताओ सम, T5 इक्वल टू 3 एंड T3 इक्वल टू 5 बनेगा। और मैंने क्या बोला है? कोई तो भी एक नंबर बोला है, लेट से 7, कोई भी नंबर होगा। हाँ ओके, तो बोलो T5 यानी कौन रहे? A प्लस 4D इक्वल टू 3, और ये कौन है? A प्लस 2D इज इक्वल टू 5, तो सब्सट्रैक्शन होगा, चले ना? तो इसमें से ये गया कैंसल, 2D सॉरी इधर से ही करते हैं, 4D माइनस 2D 2D दैट इज इक्वल टू 3 माइनस 5 माइनस 2, D की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस 1 आ गई। ये D की वैल्यू किधर? इसमें पुट करते हैं, तो a प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 5, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 7 आ गई ना, ये माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये क्या होगा? a प्लस 6d, तो a की वैल्यू 7 और ये प्लस 6 ऑफ माइनस 1, तो कितना बन रहा है? ये 1 बन रहा है ना, इस कितना बन रहा है? 1। तो p की वैल्यू 5, q की वैल्यू 3 और r की वैल्यू 7 किसमें पुट करो? इसमें, बराबर माइनस 1 ही आएगा। देखो चलो p की वैल्यू 5 प्लस, हाँ बोलो कितना? 5 प्लस 3 इज इक्वल, और आर की वैल्यू कितनी है रे? 7 है ना, माइनस 7, बोलो कितना आ रहा है रे?
वन आ रहा है और ये भी वन ही आ रहा है ना फिर, ओके तो हो गया बराबर, समझ लगा? इसका मतलब ट्रेडिशनल वे से नहीं जाने का, है ना? नहीं सर, माला ट्रेडिशनल वे ने सांगा, है ना? ये देखो ट्रेडिशनल वे, देखो इसका क्या आएगा, सांगू ना, ये पण माहिती पाहिजे आपल्याला. बोलो कैसे लिखू ये, हमको बताइए जरा. पी तो टर्म इज इक्वल टू क्यू है एंड क्यू तो टर्म इज इक्वल टू पी है, और कोई भी बोलता है टर्म पूछा है आर इज इक्वल टू ए प्लस आर कि नहीं आपका, तो आपको ए और डी की वैल्यू पता होनी चाहिए. तो चलो टीपी बोलते हैं, टीपी को अगर मैंने ऐसे लिखा तो चलेगा क्या? ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू क्यू बनेगा, बराबर है? और क्यू तो टर्म बोलो क्या आएगा, इंटू डी इज इक्वल टू पी आएगा. ये बात समझ में आ गई बच्चों? एक काम करते, इसमें से माइनस वगैरह करना पड़ेगा ना, चलो इसमें से ये टर्म माइनस करते हैं. हाँ तो ए माइनस ए कैंसल, अब पी माइनस वन इंटू डी में से क्या होगा, क्यू माइनस वन इंटू डी माइनस, और यहाँ पे क्यू माइनस, क्लियर हो गया? अरे हो के नहीं, क्या कॉमन आएगा ये दोनों में से? डी कॉमन आएगा, कौन बचेगा? पी माइनस वन माइनस क्यू प्लस वन इंटू दैट इज इक्वल टू माइनस वन, तो डी मल्टीप्लाइड बाय, ये देखो ये और ये कैंसिल हो गया, कौन बचा? हाँ पी माइनस क्यू इज इक्वल टू, इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लो बच्चों, पी माइनस क्यू ये गया तो डी की वैल्यू, देखो हमेशा डी की वैल्यू माइनस वन ही आ रही थी, देखो तब भी नंबर सीरीज जब लिया तब, है ना? अब ये डी की वैल्यू किसी एक में पुट कर दो, किसी में भी पुट कर दो, चलो मैं इसमें पुट कर देता हूँ. चलो बोलो क्या आएगा, ए अभी ये माइनस है तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये वन माइनस पी बन जाएगा, चालेल ना? एंड दैट इज इक्वल टू क्यू बन गया, समझ लगा? अरे कर लगा, तो ए की वैल्यू क्या बन गई फिर आपकी, ये माइनस उधर जाएगा तो ये पी हो जाएगा, ये प्लस क्यू और ये वन माइनस हो जाएगा. चलो ए की भी वैल्यू है और डी की भी वैल्यू है, मैंने क्या पूछा आपको, ये पूछा ना? तो बोलो ए की वैल्यू पी प्लस क्यू माइनस वन, मीन्स सॉरी माइनस वन, क्या माइनस वन और इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है, माइनस वन है ना, तो माइनस वन है तो ये क्या होगा रे, माइनस आर प्लस वन हो जाएगा, तो देखो वन वन गेट कैंसल, कौन बचा, पी प्लस क्यू माइनस आर, यही आंसर आ रहा था ना हमारा भी, समझ लगा? है ना? तो सम्स को कैसे सॉल्व करोगे ये समझ में आ गया आप लोगों को, पक्का? ओके चलो अभी ये सम को अभी बोलो कौन सा, ट्रेडिशनल वे से करना है या स्मार्ट वे से? स्मार्ट वे से. ओके सो सम ऑफ द पीथ टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज क्यू, सम दिया है, क्या दिया है, सम, है ना? तो प्रॉपर्टी लर्न करने गए ना तो बौखला जाओगे, इधर सम है इधर टर्म है ना? ओके म्हणजे इथं पण एम प्लस एन एच विचारलंय, मी इथं पी आणि क्यू दिलेलं आहे, पी आणि क्यूज विचारलंय, पण तिथं टर्म विचारलं होतं, इथं सम विचारलं होतं, त्याचं आन्सर झिरो येत होतं, याचं मला माहीत नाही किती येणार आहे की नाही. तो प्रॉपर्टीज लर्न करने की जरूरत नहीं है, स्मार्ट तरीके से आप लोग सॉल्व करो. रादर मैं तो बोलता हूँ आपने मैथमेटिक्स का पेपर एकदम स्मार्ट वे से अगर उसको देखा ना तो आप सच में आउट ऑफ ला सकते हो मैथमेटिक्स में, आउट ऑफ ना आना ये, और फाउंडेशन की ही बात कर रहा हूँ मैं सर, अटेम्प्ट होत नहीं, तो तुम्हें तो आउट ऑफ की गोष्ट करता है, कुछ मुश्किल नहीं है अगर स्मार्ट वे से अगर पढ़ाई किया तो, है ना? इसका मतलब मैं तो पास की बात ही नहीं कर रहा हूँ, पास तो पप्पू भी होता है ना? ओके तो आपको अच्छे मार्क्स अगर लाने हैं मैथमेटिक्स में, आउट ऑफ भी आप लोग ला सकते हो, लेकिन लेकिन स्मार्ट वे से आप लोगों को देखना पड़ेगा, ठीक है? और अगर आपको आउट ऑफ मार्क्स मिल गया तो मैं अभी डिक्लेयर कर देता हूं, तो फाइनल ला, फाइनल ला, है ना? चलो और आपको मोटी हो इसीलिए, नहीं बेटा क्या है पता है क्या, मुझे देना है ना, ओके 50,000 का कमिटमेंट अगर दे दूंगा और नहीं दिया तो आप मुझे गाली दोगे, है ना? ये कह रहे 50,000 को ना बोल रहे, एक जर तू इधर से कम है क्या थोड़ा, मिस मिस कहना क्या चाहता है तू, ठीक है? ओके 10,000 का प्राइज होने वाला है आपको, जिसको देखो उसका रिजल्ट क्या है उससे लेना देना नहीं है मुझे, है ना? वो पास रहे फेल रहे उसे,
अगर मैथ्स में अगर आप लोगों ने, चलो और मोटिवेशन मिलना चाहिए आप लोगों को, करता हूं है ना, और मैं वादे का पक्का हूं, ठीक है। अगर आपको 90 प्लस मार्क्स मिले मैथमेटिक्स में, हाँ मैथमेटिक्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो पेपर है आपका, तो आपको 90 एंड 90 प्लस करना पड़ेगा। 90 प्लस 91 हो जाएगा ना, वो 90 एंड 90 प्लस अगर मिल गया तो ₹10,000 का बख्शिस, ओके। उसके बाद 95 एंड 95 प्लस अगर मिल गया तो ₹15,000 का बख्शिश, और अगर 100 अगर मिल गया, 100 और 100 प्लस नहीं हो सकता इधर, ओके 10, 15, 30, ओके। नहीं पेपर देने वाला हूँ इंस्टीट्यूट का कैसे, हाँ प्लस मेरे मजा नहीं आएगा क्योंकि 80 प्लस बहुत सारे मिल सकते हैं, है ना। तो दोस्तों मेरे पे विश्वास है आप लोगों को, इसका आप लोग फोटो कॉपी कर लो, है ना, ताकि फिर मैं तो झूठा नहीं हूँ, है ना, ओके। आपको अगर ये टारगेट अगर मिल गया, है ना, ये अचीव कर लिया, तो मैं बख्शीश दूंगा आपको ये, है ना। मैं फोटो निकाल के रखता हूँ, नहीं तो तुम बोलोगे सर 90 प्लस मिला है, आपने 20,000 कमिट किया था। कोई ना टेलीग्राम पे डाल देता हूं मैं, ठीक है। हाँ भोसला माया कड़ी कैसे ऑफर नहीं, वो आराम से ला सकते हो बोर्ड्स में, वो क्या बोर्ड्स में क्या क्या आएगा मैं आपको बता सकता हूँ। हाँ मेरे पेपर में मैं कर दूंगा 12th को, मेरे पेपर है, मैंने जो बनाए हुए वो, उसमें आप लोग आउट ऑफ लाओ आपको ₹500, ठीक है। टॉपिक वाइज नहीं, हाँ नहीं तो टॉपिक वाइज में भी तो नहीं मिलेगा रे। चलो स्मार्ट वे से हम करेंगे। तो कितने आइटम दिखाई दे रहे, आइटम इस कितने वेरिएबल दिखाई दे रहे आप लोगों को यहाँ पे, तो कौन कौन, पी और क्यू। तो ये आप लोगों को पी की वैल्यू कितनी लेनी है बताइए, 2, भिखारी को नहीं कर जे। क्यू की वैल्यू 5 ले लेते हैं, चलेगा, ओके। सम बनाओ आप, क्या बनेगा सम, बोलो, सम ऑफ पी टर्म यानी एस टू बराबर है इज किसके बराबर है, ये 5 है, एंड एस वाई इक्वल टू 2, और क्या पूछा है, एस 7 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, समझ लो। एस टू का फॉर्मूला, सम का फॉर्मूला पता है ना, एन डिवाइडेड बाई 2 ऑफ 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, रिपीट, एन डिवाइडेड बाई 2 ऑफ 2a प्लस एन माइनस 1 यानी 1 आएगा इंटू डी, दैट इज इक्वल टू 5, कर लो। एंड इधर बोलो एन डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, दैट इज इक्वल टू, समझ लो। हेलो 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 हेलो, तो ये कितना बनेगा बच्चों, 2a प्लस d इज इक्वल टू 5 बना, ओके। और यहाँ पे कैन आई से दैट 2a प्लस 4d इज इक्वल टू 2 टू जा 4 बाय 5, चालेल ना। झालं हे बघा, ऑब्जेक्टिव काय आहे की तुम्हाला इक्वेशन सॉल्व, कळलं। आता तुम्ही जे म्हणताय त्याला 2 ने डिवाइड करा, मग पुन्हा 2 ने मल्टीप्लाई करावं लागेल, है ना। तो थोडं स्मार्ट, अभी दोनों साइड पे एस एन एस एन है, तो आपको तो इतना तो पता है ना कि ये 2a 2a दोनों में कॉमन ही आएगा। देखो क्या है कि थोड़ा स्मार्ट तरीका यूज करो, है ना, सॉल्व करायचं म्हणून येड्यासारखं सॉल्व करत बसायचं नसतं, है कि नहीं, आपको पता है कि नहीं। देखो मुझे पता था कि अगर मुझे बताओ यहाँ पे अगर मैंने ये 5 अगर दे दिया होता तो ये 5 5 कट करता क्या, मैं करता भी नहीं वो कट, वो बाद में देख लेता, वो इधर जाएगा ना, तो जाने के बाद ये 5 5 कट हो रहा है ना, वो बाद में होगा कि मैं इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, समझ लगा, नहीं डिस्टर्ब करना चाहता,
क्योंकि इधर और इधर मुझे तो पता है ना साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, तो यानी ए नहीं तो डी दोनों में से किसी एक का क्वेश्चन सेम चाहिए ना मुझे, बट 2A दोनों में आने वाला है, तो उसको हाथ ही मत लगाओ ना आप लोग, है ना, समझ होनी चाहिए आपको। हाँ इधर 5A, हाँ ये 2 है आपका बराबर। चलो ये बात आप लोगों, हेलो हेलो हेलो, ये 2 4 बराबर है, तो बोलो इसमें से ये माइनस करेंगे हम लोग, चालेल ना। तो बोला 2A 2A कैंसिल, 1D में से 4D गए माइनस 3D बराबर है ना, और 5 माइनस 4/5 यानी कितना बनेगा बच्चों, 21/5 कळालं का, कळालं। आता ह्या डी ची व्हॅल्यू कुठे, इथे टाकून देऊया, 2A माइनस 21 डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू, ये डिवाइड हो रहा था गेरे कितना माइनस 7 और यहाँ पे कितना 5। हाँ चलो कितनी आ रही थे, 7/5 ये हो गया इक्वल टू 5, तो 2A इज इक्वल टू बोलो कितना बनेगा, 5 + 7/5 कुल मिला के कितना आ गया, 25 + 7 कितना बनेगा 32, तो 32 डिवाइडेड बाय 5, लेकिन 2 1 2 16 जा, तो ए की वैल्यू कितनी बनेगी 16/5 बनेगी, क्लियर है। लेकिन हमें तो S7 पूछा था ना, तो बोलो S7 का फॉर्मूला n अपॉन 2 इंटू ए प्लस 7 यानी 6 इंटू डी, डी कितना है रे -7/5 कर लो, तो दैट इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 16/5 जा 80। अच्छा 16 2 16 2 32 और ये हा? अरे हाँ ठीक है ना, तो डायरेक्ट करू ना रे अपन का यार, तुम्हें -42 डिवाइडेड बाय 5 हो गया, तो बोलो बच्चों कितना मिल रहा है ये आपका, ये कितना आया -10, -10 डिवाइडेड बाय यानी -2, तो 7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू -2 तो कितना बना -7, तो -7 बना ना आप लोगों का, इसका मतलब इसका आंसर क्या है ट्रेडिशनल वे से क्या बना है 7 ना, तो हमेशा ये रिमूव होने वाला है आपका, कळलं का, म्हणजे काय वाचेल हेच वाचेल ना, फक्त अपोजिट इन साइन म्हणजे हेच वाचेल, म्हणजे हे कोण आहे रे, येस माइनस ऑफ पी प्लस क्यू, ये आंसर है इसका, कळलं का काय आंसर है, क्या आंसर इसका माइनस ऑफ पी प्लस। तो इन केस ऑफ अगर आप लोगों को APGP के जो प्रॉपर्टीज वाले सम अगर आ गए, तो आप लोगों को ट्रेडिशनल वे से भी सॉल्व नहीं करना है, प्रॉपर्टीज भी लर्न नहीं कर, आपका जो सम है में कन्वर्ट करके आप लोगों को सॉल्व करना है और ऑप्शन की मदद लेनी है, समझ में आ गया बच्चों, अरे कर लगा ओके, ये लास्ट सम है शायद, ये सेकेंड लास्ट है शायद, हाँ ये 2 ले लेते हैं, है ना, याच्या नंतर काही लेक्चर नाही ना तुमचं, ये 2 घेऊन टाकू म्हणजे माझं काम संपून जाईल असं, चलो चालेल ना, चलेगा ना, कोई किसी को दिक्कत नाही ना, नाही अगर दिक्कत होगी तो निकल जाओ फिर, ऐसा मैं तो लूंगा, है ना। चलो पी द टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 1/Q एंड क्यू द टर्म इज 1/P, देन पी क्यू द टर्म इज इक्वल टू व्हाट, तो कितने 2 नंबर बोलो, तो ए भिगार डॅनो 27, तो चलो T2 इक्वल टू 1/7, अरे हो के नाही, एंड T7 इक्वल टू 1/, क्या बात है, T2 बोलो A + D 1/7 A + 6D 1/, अमी है ना, हाँ टर्म है और AP है, तो इसमें से ये माइनस करो, A - A 6 - कितना 5 इज इक्वल टू 1/2 - 1/7 यानी रे 5/14 ना, 5/14, तो डी की वैल्यू 1/14 ना, लगा म्हणजे म्हणजे डी काय असतो माहिती का, 1/P·Q राहतो डी, ह्या केस मध्ये डी 1/P·Q आहे, म्हणजे तू ट्रॅडिशनल वेने केलं ना, मग डी ची व्हॅल्यू काय येईल 1/P·Q असं येईल, उचली हे देख 7 × इसका मतलब तूने पी और क्यू अगर ये 3 और ये 2 अगर लिया, तो 3 × 6 तो 1/6 डी की वैल्यू आएगी,
है ना, घरी जाऊन लगेच करून बघायचं आमचं मास्तर खरं बोलतं की नाही, आणि जर नाही आलं ना मला इथं येऊन मारा. सच में मैं क्या, मैं मुकरता नहीं हूँ, है ना, मेरे सब्जेक्ट के ऊपर पक्का वही आएगा, है ना. और आया तो मैं साले तुमको नहीं मारूंगा नहीं, लेकिन मुझे आनंद होगा क्योंकि आपने सच में जाके किया, है ना, किया आपने. अन नहीं आल अन तुम्हें मला मारल पण मी करून दाखवल मग तो एकदम ओके. चलो ये बात समझ में आ गई आपको. आगे इसको क्या करेंगे, इस प्लस डी की वैल्यू 1/14 इज इक्वल टू 1/7, तो ए इक्वल टू 1/7 माइनस 1/14. एलसीएम कितना आएगा बच्चों, 14, इसको 2 से 2 माइनस 1 1, यानी ए की भी वैल्यू वही आएगी, है ना. तो मुझे क्या पूछा था, टी इंटू पी इंटू क्यू पूछा था, म्हणजे काय विचारलं होतं मला, सातूने 14 विचारलं होतं, बरोबर आहे ना, अरे कळलं का. तो टी 14 इज इक्वल टू क्या बनेगा रे, ए प्लस 13 डी बनेगा ना. तो दैट इज इक्वल टू ए कितना है 1/14 प्लस 13 टाइम्स ये कितना है 1/14, कुल मिला के 14/14. तो आंसर हमेशा कितना आएगा, 1 आने वाला है इसका आंसर. कितना आने वाला है ये प्रॉपर्टी का आंसर, 1. तो ऑप्शन में डायरेक्ट 1 दिखेगा आपको, अभी कळलं है ना. चला आता हे तुम्ही सांगा, हा मग सम जर विचारलं तर मग ते तसं सम कॅल्क्युलेट करावे लागेल तुला, है ना, म्हणजे एस 14 है ना, मग 1च येईल असं नाही आहे, काहीतरी वेगळं पण असू शकतं. आता तुझ्याकडे ए आणि डी आहे की नाही, बरोबर, मग तू काय पण करू शकतो, है ना. चलो ये आप बताओगे अभी, है ना, बोलो. सम ऑफ द फर्स्ट एंथ टर्म ऑफ द ए पी इज अ सेम एट सम ऑफ द फर्स्ट एंथ टर्म ऑफ द ए पी. यम यन कितना लेना है आपको, यस मैडम, इथंच घेणार आहेत, एक 5 मिनट घेऊ. चलो एकदम फटाफट बोलो, एम की वैल्यू 2, एन की वैल्यू चौदह यार तो बोलो एस टू इज इक्वल टू एस थ्री, और आपको क्या पूछा है, एस फाइव पूछा है अभी, बराबर है ना. तो बोलो एस टू इज इक्वल टू बोलो कितना आएगा, एन अपॉन 2 इंटू 2 ए प्लस एन माइनस 1 यानी 2 माइनस 1 इंटू टी, एंड दैट इज इक्वल टू एन अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ए प्लस 2d. हे कळलं, हा 2 आणि हा 2 कॅन्सल होईल, 2 इंटू 2 4a प्लस 2d, अरे वा 4d, छान. ए जगन्नाथ, 3 टू जा 6a प्लस 3 टू जा 6d बन जाएगा, है ना. तो 4a माइनस 6a माइनस 2a, और ये कितना 6 और ये 4d, तो a की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस 2d आएगी. ये बात समझ में आ गई, बस इतना ही रखो. अब मग सर डी ची वैल्यू, अरे रसना है ए बाय माइनस 2 डी ची वैल्यू, जाओ एस फाइव पूछा है ना, बोलो 5/2 मल्टीप्लाई बाय 2a प्लस 4d, तो ये 5/2, इसको भी हाथ मत लगाओ, 2 इंटू ए कितना है आपका, माइनस 2 इंटू डी है ना, और ये प्लस 4d, तो ये माइनस 4 प्लस 4 0, आंसर इसका 0 होता है, समझ लो, है ना. तो ये प्रॉपर्टीज है, बट लर्न भी मत करो और सॉल्व भी मत करो, है ना, लास्ट मोमेंट पे आपको बराबर याद रहेगा. समझ में आ गया बच्चों, चलो आज का सेशन यहाँ पे हम समाप्त करते हैं, कल आपसे मुलाकात होगी, धन्यवाद. ये मैं लेक्चर आप लोगों को अपलोड करवा के दूंगा आज, लाइव में नहीं मिलेगा, अपलोड में मिल जाएगा ये, ठीक है.